एंड आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एच पाइलोरी। तो ये एच पाइलोरी क्या है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके लिए क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं, क्या डू एंड डॉन्ट्स है और होम्योपैथी के बारे में जानेंगे। मित्रों, हम कई बार पार्टी में जाते हैं और कई बार होटल में खाना खाते हैं और खाने के बाद हमको पेट में खाने तो अच्छा लगता है, पर जब पेट में आता है तब आधा पौना घंटे के बाद पेट में इतना गैस हो जाता है और खट्टी डकारें आती है, इसे मुंह में जलन रहता है, छाती में जलन रहता है। ये जो सब कुछ है ये एच पाइलोरिक बैक्टीरिया के कारण है और उसका इन्फेक्शन हमारा स्टमक में हो जाता है। तो सबसे पहले ये एच पाइलोरिक क्या है, तो उसका जो फुल फॉर्म है उसको मेडिकल भाषा में एच पाइलोरिक बोला जाता है, पर उसका फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया, उसको एच पाइलोरिक बोलते हैं। तो जो एच पाइलोरिक का जो इन्फेक्शन है हमारा अपर गैस्ट्रिक में ज़्यादा लगता है। तो ये जो बैक्टीरिया है या हम कोई अनहाइजीन फूड खाते हैं, कोई बार हम कोई स्पाइसी फूड खा लिया, कोई इन्फेक्टेड फूड खा लिया, तो इसकी वजह से हमारा जो स्टमक की दीवार है और अपर जो हमारा जीआईटी है इसमें दीवार में ये लाइनिंग में ये जो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया रहता है और ज़्यादातर हमारा ये अल्सर फॉर्म करता है और 80% जो अल्सर है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर ये एच पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से है, और 20% जो है वो ड्यूओडेनल अल्सर ये एच पाइलोरिक की वजह से है। तो ये तो सबसे पहले जो हम कॉन्टामिनाइजेशन फूड खाते हैं, बाहर का जो एडल्ट्रेशन होता है इसमें प्रॉपर हाइजीन मेजर नहीं किया होता है और इसके वजह से जो ये फूड खाया जाता है और एक खाने के बाद जो हमको गैस्ट्राइटिस रहता है, तो ये एच पाइलोरी के सिम्टम के थकी होता है, तो इसका एक वन ऑफ द कॉज है। सेकंड थिंग, हम स्पाइसी फूड जाते हैं तो इसके वजह से भी हमको ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन रहता है। थर्ड थिंग, हम कोई बार स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इसकी वजह से भी हमको ये एच पाइलोरिक और गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स होने की संभावना रहती है। मित्रों, ये तो हमने आपको उसका क्या कारण है वो बताया, अभी उसका क्या सिम्टम्स होता है। तो जो एच पाइलोरिक जो सिम्टम होता है तो उसको खाने के बाद पेट में अड़क हो जाता है और उसको पेट इतना फूल जाता है कि पेट अभी फूट जाएगा। कई बार खाने के बाद दर्दी को ऐसा लगता है कि पेट में कोई पत्थर रख दिया हो, ऐसा फीलिंग होता है। कई बार ये पेट में लोअर एब्डोमिन में पेन भी करता है और ये जो सिम्टम होता है कई बार अपर हो जाता है, तो दर्दी को पेट और जो छाती के भाग में हल्कापन दुखता है, कई बार वॉमिटिंग भी होता है, वॉमिटिंग में इतनी खटाई होती है कि दांत खराब हो जाता है। कई बार ये उसको हार्ट बंस भी बोला जाता है, ये हार्ट बंस में दर्दी को जलन रहती है छाती में और कई बार इतना भीस होता है कि दर्दी को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया और इतना गैस बनता है। दर्दी को कई बार आँखें में जलन होता है और गले में भी उसको खराश रहती है, तो दर्दी को बार बार ऐसा करना पड़ता है। ये भी एक गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स है और वायु की वजह से उसको एक्यूट लैरिंजाइटिस या क्रॉनिक लैरिंजाइटिस हो जाता है। और कई बार तो आँखें में भी जलन होता है, इसके साथ गैस्ट्रिक हेडेक भी रहता है। कई बार दर्दी को ये जो दुखाव है आगे से पीछे होता है और इतना पेन होता है कि दर्दी को उठ के कुछ सोडा या एंटासिड या कोई वर्कापेरोन नाम की जो दवा होती है, एंटा एसिड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो दवा बनती है वो लेने से दर्दी को आराम रहता है, पर ये टेम्पररी रहता है। जो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है जितना क्रॉनिक रहता है इससे हमारा शरीर में उसका आतंक ज़्यादा होता है और उसका कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होता है। तो हमने ये जो देखा है कि वॉमिटिंग रहता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, दर्दी को अशक्ति लगता है, दर्दी का जो एच पाइलोरिक का सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा वेट लॉस भी होता है, भूख नहीं लगता है और चक्कर भी आ जाता है। कई बार दर्दी को लगता है कि उसको कुछ बड़ी बीमारी हो, ऐसा भी फीलिंग होता है। और उसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो कई बार दर्दी को कॉफ़ी ग्राउंड प्रकार की वॉमिटिंग होती है, क्योंकि एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है ये कार्सिनोजिन सम सिम्टम्स उत्पन्न करता है, तो हमारा जो गैस्ट्रिक कैंसर होने की भी संभावना रहती है। जिसको लोगों को जो कॉफ़ी ग्राउंड की वॉमिटिंग रहे और स्टूल में कॉफ़ी ग्राउंड का जो लिक्विड निकले तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ये आवश्यक है। मित्रों, इसके लिए क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक तो स्मोकिंग बंद करने का है,
तली हुई चीज है, स्पाइसी है, वो चीज बंद करने का है। जो अल्कोहल लेते हैं तो ये अल्कोहल भी बंद करना चाहिए। कई बार हम स्टीरॉयड युक्त कोई दवा लेते हैं, कोई डॉक्टर की वजह से, कोई अंडर में सुपरविजन में, कोई डिजीज के लिए, तो इसके भी ऐसे अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो ये भी आप आपके डॉक्टर के पास परामर्श करके ये जो दवा है इसके अलावा कोई दूसरी दवा के ले सकते हैं, और इसके लिए आप डॉक्टर के साथ बातचीत करके चेंज कर सकते हैं। कई बार आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने काम में बिजी रहते हैं तो आपका जो जो खाने का टाइम छूट जाता है, तो धीरे धीरे हमारा जो स्टमक पीएच लेवल में बदलाव आ जाता है। इसी वजह से भी हमको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, और गैस्ट्रिक अल्सर में सेकेंडरी एच पाइलोरिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये भी हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारा इरेग्युलर लाइफ है और लाइफस्टाइल है, वो चेंज करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, आपको डेट नाइट खाना खाते हैं, और खाना भी ज़्यादातर बाहर का खाते हैं, मरी मसाला वाला ज़्यादा खाता है, ऑयल वाला खाता है, नॉन वेजिटेरियन वाला खाता है, और इसमें हाइजीन मेजर नहीं होता है, और हमारा हाथ कॉन्टामिनाइजेशन होता है, तो इसकी वजह से भी हमारा ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। तो ये आपको जब खाने को जाओ तो बराबर ख्याल रखो। क्या करने का है आपको, तो आपको जब भी खाना बनाओ तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करो, और आप जो भी खाना खाते हैं तो 30 से 40% कम खाइए। खाने में आप स्पाइसी चीज है, ऑयल है, जो मरी मसाला है, तीजाना कम खाइए। खाने में 30% आप अनकुक्ड खाइए, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो सलाड है और फ्रूट है, फ्रूट में जनरली शुगर वाला जो थोड़ा फ्रूट हो, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड हो, इससे हमको गैस्ट्रिक कम बनता है। चौथा, आप दही छाछ का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया है ये हमारा जो इंटरनल वॉल में जो हीलिंग करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप दही का बहुत प्रयोग करो, तो इससे हमारा जो इंटरनल वॉल है ये मजबूत बनता है, और पाचन शक्ति भी मजबूत बनता है। मित्रों, सुबह में उठ के 3 से 4 ग्लास पानी पियो। पानी भी हमारा शरीर में क्या करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रीडाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट करता है, और पानी से हमारा क्या कि जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है फास्ट बनती है। खाने में भी जो भी आपका भूख है 30% कम खाइए। इसे कम खाने से आपको कोई कोई आपको कोई अशक्ति आने वाला नहीं है, पर आपका जो डाइजेशन पावर है ये अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। जो बने तो हफ्ते में एक बार उपवास भी कीजिए, और जो भी एप्पल इसके लिए अच्छा है, पपीता अच्छा है, और जो भी अच्छे फ्रूट्स हैं जो खट्टास वाला नहीं है, ये आप खाओगे तो इसके अच्छा रह सकता है। मित्रों, इसके लिए कैसे मालूम पड़ेगा आपको एच पायलोरिक का इन्फेक्शन है, तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट में CBCS ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। स्टूल एंड यूरिन का टेस्ट कराओगे तो इसे मालूम पड़ता है। कई बार सीटी स्कैन एब्डोमिनल करो, और कई बार अपर अपर एंडोस्कोप जो गैस्ट्रोलॉजी करते हैं इसे भी हमको मालूम पड़ता है, और ब्लड यूरिया का टेस्ट से भी मालूम पड़ता है। कई बार वो जो सीवियर होता है तो हमारा शरीर में जब भी बेल्चिंग होता है तो इतनी बदबू आती है, कई बार दर्दी को सांस में भी बदबू आती है, और कई बार उसको दांत में भी पायोरिया हो जाता है, तो ये सब कुछ है एच पायलोरी की वजह से है। तो ये जब भी हमारा दांत की ट्रीटमेंट कराओ तब सबसे पहले आप तुम्हारा पेट की दवा कराओ तो ये अच्छा है, क्योंकि जो दांत में पायोरिया हुआ है ये दांत की वजह से नहीं, पर तुम्हारे जो शरीर में जो पीथ है एच पायलोरी की वजह से, जो फ्लैटुलेंट है इसके वजह से होता है। कई बार इतना खराब उड़कर आता है तो बाजू वाला दर्दी को भी शर्म आता है, क्योंकि गंदा गंदा इसमें टेस्ट आता है और गंदी स्मेल आता है, तो दर्दी को भी कई बार उसको उसको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना पड़ता है। मित्रों, इसमें क्या होम्योपैथिक दवा है, होम्योपैथिक में इसके एच पायलोरी की मास्टर ड्रग्स है। इसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस की दवा अलग है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की अलग दवा है। तो हमको एक्यूट हो गया हो तो सबसे पहले आपको नक्स वॉमिका नाम की जो दवा है, तो नक्स वॉमिका क्या करेगा, तो तुम्हारा जो स्टमक का जो पीएच लेवल है उसको ये ठीक करेगा, और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, आपको जो गैस बनता है, एसिडिटी होता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख कम लग जाती है, तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म स्टमक का है, जो जूसिस है उसको एक्टिवेट करता है, रिज्वाइन करता है, तो जो खुराक का पाचन नहीं होता है ये पाचन शक्ति में अच्छा करता है, और जो स्टमक की मोबिलिटी है बढ़ाती है, इसमें जो गैस्ट्रिक जूस कम निकलता है तो ये बढ़ाती है और पाचन करता है। तो मित्रों, ये 30 पोटेंसी में लेने का है, और जब भी नक्सवामिका लो तो 6 बजे के बाद शाम को मत लो, क्योंकि जब आप नक्सवामिका लोगे तो आपको नींद नहीं आने का भी चांस रहता है। तो जो भी नक्सवामिका आप स्टार्ट करो तो 5-5 गोली सुबह दोपहर शाम को 6 बजे पहले लेने का है,
और ये 15 दिन लोगे तो आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकेशन लाइनिंग है ये एक्टिव हो जाएगा, एच पैलोरी का जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कम हो जाएगा और ठीक रहेगा। सेकंड जो दवा एक्यूट गैस्ट्राइटिस और एच पायलोरिक का इन्फेक्शन की वजह से है, इसमें कार्बोवीर दवा है। इसमें ऐसा होता है दर्दी को बहुत फ्लैटुलेंट होता है, गैस होता है, छाती में निकलता है, हार्ट बर्न्स होता है, कई बार खट्टापन रहता है, हेडेक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में दर्द होता है, तब ये कार्बोवीर 30 पोटेंसी में 30-30 पावर की दवा सुबह दोपहर शाम को लेने से दर्दी को अच्छा हो जाता है। थर्ड दवा है लाइकोपोडियम। तो जो लाइकोपोडियम की जो दवा है, ये जो दवा आपके जो लीवर में जो प्रॉब्लम हो और ये आपके फास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो लीवर की वजह से और जॉन्डिस की वजह से आपका पाचन शक्ति वीक पड़ जाती है और आपको शाम को 4 से 8 बजे तकलीफ रहती हो, रात को 12 बजे भी जो तकलीफ रहती हो, तो ये लाइकोपोडियम दवा बहुत मास्टर ड्रग्स है, वो 30 पावर में एक्यूट गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस के लिए ले सकते हैं। कई बार आपको देखा होगा कि लोगों को क्रॉनिक अल्सर होता है और ये अल्सर की ये जो बीमारी है तो ये छिक आंतड़ा में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, तो इसमें क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक अल्सराइटिस कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम नाम की जो दवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। वो 30 पोटेंसी की दवा लोगे तो आपका जो बना हुआ है अल्सर है और एच पायलोरी का जो इन्फेक्शन हो, पैरासाइट जो हुआ है बढ़ गया है और ये क्रॉनिसिटी हो गया है, तो इंग्लिश में तो कोई दवा नहीं है, वो सप्रेस करते हैं आधुनिक साइंस में, तो इसे होम्योपैथिक में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम दवा बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। और ये दवा लोगे तो आपको ये जो क्रॉनिक जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉनिक आपको ड्यूओडेनल अल्सर हुआ है, तो इसमें आपको राहत हो सकती है। मित्रों ये दवा 3 महीने तक 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेनी चाहिए। कई बार आपको होता है और सिक वॉमिटिंग रहता है तो रोबिनिया नाम की जो दवा है 30 पोटेंसी के हार्ट बन रहता है, जिसको दांत खट्टा हो जाता है, आंखों में जलन होता है, छाती में बंस होता है, हार्ट पाल्पिटेशन होता है, तो ये जो दवा है रोबिनिया नाम की जो दवा है ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेने से आपका पीएच लेवल ठीक करेगा और आपको जो क्रॉनिक जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट एसिड गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट है वो भी ठीक करेगा। आपका हार्ट में जो झनझनाहट आती है, हार्ट में आपको लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ये सब सेंसेशन बंद हो जाएंगे और आपका लाइफ अच्छा रहेगा। मित्रों इसमें थर्ड नंबर की जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में जो दवा है आयरिस वर्सिकुलरिस, ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दवा भी अपर गैस्ट्रिक जो एसिड गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट है इसमें काम करता है। ये भी दवा 30 पोटेंसी में आप दवा लोगे तो आपका जो ये बना हुआ है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और अल्सर भी बना हुआ है और आपको जो डियोडिनल अल्सर है और क्रॉनिक स्टमक अल्सर है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें भी फायदा कर सकती है। ये दवा हमारा स्टमक कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं इसमें आयरिस वर्सिकुलरिस एंड कार्बोविक जो दवा है दोनों बहुत इफेक्टिव दवा है। तो मित्रों जो हमने जो दवा बताया ये आपके सिम्टम के अनुसार लोगे तो आपको जो एच पायलोरिक का जो इन्फ्लेमेशन हुआ है ये धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा। मित्रों हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका फेसबुक बुक में भी आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। जिन लोगों को ये इसके लिए एच पायलोरिक की जो जानकारी चाहिए तो ये लोग एजुकेट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड, मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो की आपको जब भी हमारा नया वीडियो आए तब आपको जानकारी मिले।